नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं तो कैसन बानी रहुआ लोग बताई जा जरूर। और उम्मीद बा कि आप लोग स्वस्थ होखब, मस्त होखब, व्यस्त होखब। भगवान करे कि आप लोग स्वस्थ और मस्त व्यस्त होखी। और ये बहनी के जौन की नाम जूही बहनी के चैनल के आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करी, साथ में बेल आइकन घंटी जौन बड़का वाला हो टप दे डब। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप रियली कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं बहुत दूर चल के आई हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी शाम 5:30 हो गया है और मुझे घर भी जाना था, तो मैं आई थी भाभी जी से मिलने, जो कि पूर्वांचल की बहुत फेमस गोरखपुरिया भौजी हैं, जो कि सब लोग जानते हैं। तो मैं उनसे मिलने आई हूँ और छोटा सा इंटरव्यू लूँगी और फिर मैं घर जाऊंगी। सो चलिए आपसे मिलवाती हूँ मैं गोरखपुरिया भौजी से। तो हेलो भाभी, कैसी हैं आप? जी हम बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। आप बताइए आप कैसी हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और आप मतलब कब से वीडियो बना रही हैं भाभी? यूट्यूब पे कब से आई हैं? अभी तो आप टिकटॉक पे थी ना कुछ टाइम पहले। यूट्यूब पे हम आए हैं 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए यूट्यूब पर हमको आए हुए। अच्छा, तो मतलब आपको अच्छा लगता है, आपके फैमिली लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ सब लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और एक प्यारा सा क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं? बोलिए। आपका कोई बॉयफ्रेंड है भाभी? हाँ जी मेरा बॉयफ्रेंड है। कौन है? मेरे पति। अच्छा, सो स्वीट, देखिए कितनी अच्छी है। तो और आप मतलब वीडियो बनाती है तो आपकी सास या मतलब? नहीं नहीं, मेरे घर में कोई पाबंदी नहीं है, मेरे घर वाले पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा काम भी मैं करती हूँ कि कोई मुझे रोकता है। हाँ जी हाँ, तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि आप इतने अच्छे लेवल पे गई हैं, तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब अपना जो वीडियो का बोलने का भाषा वासा है वो थोड़ा सा चेंज करेंगी तो एक नंबर का आपका वीडियो जाएगा। हाँ तो मैंने अपना चेंज कर दिया। हाँ क्योंकि, लेकिन आपने देखा होगा हमारे कमेंट में कि हमारे मतलब जो भी फैन फॉलोइंग है सब लोग कहते हैं कि भाभी आपका पुराना अंदाज ही अच्छा लगता है, तो आप पुराने अंदाज में ही वीडियो बनाइए। लेकिन मैंने छोड़ दिया पुराना अंदाज करना, लेकिन अभी इंटरव्यू में लोग आते हैं बोलते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है, मजबूरी है बोलना। भाई जिसको पसंद आता है उसके लिए तो बोलना जरूरी है। क्योंकि ना फिर इतने अच्छे लेवल पे आप पहुंच चुकी हैं ना इस टाइम, तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब लोग देखते हैं ना। जैसे कि जरूरी नहीं है कि बस हमारे यूपी बिहार के ही लोग देखते हैं, अदर सिटी के भी लोग देखते हैं, तो थोड़ा मतलब ये लगता है कि कैसे ये लोग बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, कोई पर्सनल वो नहीं था। तो और बताइए आपके घर पे कौन कौन है? हमारे घर पे हमारी सास हैं, हमारे ससुर जी हैं, हमारे 3 देवर हैं, हमारी 2 ननद हैं जिनकी शादी हो चुकी है, हमारे 1 देवर की भी शादी हो चुकी है और हमारी 1 बेटी भी है। अच्छा, क्या नाम है आपकी बिटिया का? छन छन। अच्छा, मेरा आवाज़ क्यों फट रहा है आज? ज़्यादा थक गई हैं। ज़्यादा थक गए जी। हाँ, तो आप मतलब और क्या करना चाहेंगी लाइफ में? मूवी वगैरह में जाना चाहेंगी? नहीं नहीं, मूवी में मैं काम नहीं करूँगी। मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट मूवी बनाती हूँ, कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, कॉमेडी मूवी बनाती हूँ, ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ और अपने देसी स्टाइल में, अपने यूपी बिहार के स्टाइल में बनाती हूँ। वही लोगों को पसंद भी आता है, अच्छा लगता है, तो मैं उसी में कंटिन्यू अपना रखना चाहूँगी। सो आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल घमंड नहीं है आपके अंदर। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी स्टार से मिली हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहन से मिली हूँ और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। देखिए स्टार तो पब्लिक बनाती है। सही बात है, सही तो बात है। तो हम तो अभी हमको अभी कभी भी अहंकार तो मेरे अंदर आया ही नहीं कि मुझे किसी बात का अहंकार हो या फिर कोई वो बात हो, नहीं मेरे अंदर कभी नहीं आया, कभी आ भी नहीं सकता। जिस दिन हम आ गए अहंकार में उस दिन मैं ख़त्म हो जाऊँगी, बस। सही बात है, ये आपका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलने गई, तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी बट वो लोग बहुत घमंडी हैं जिनसे कि मुझे बहुत नफरत हो चुका है, बट आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बहन से या मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने आई हूँ। देखिए स्टार पब्लिक बनाती है, अगर पब्लिक की बात को आप
सीरियसली नहीं लोगे, जिस चीज पे आप जी रहे हो, जिस चीज पे आप मर रहे हो, जिस चीज पे आप मिट रहे हो, अगर उस चीज को आप अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये चीज जान लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ, क्या पता वो भी ये इंटरव्यू देखे तो उनको थोड़ा भी शर्म आया तो वो देखे इस वीडियो को, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं बहुत होप लेके आई थी आपसे मिलने, और आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। थैंक यू सो मच जो आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया। सो बस आप मेरे दर्शकों से, सुबह से तो आपके ही साथ थी मैं। हाँ जी, और आपके साथ पूरा टाइम बिताई, एक स्टार के नहीं, स्टार के तरह से नहीं बिताई, आपको पता चला है एक फैन के तरह, एक दोस्त की तरह हम लोग रहे, एक सिस्टर की तरह रहे हैं, तो आपको हमारे बारे में पता चल गया होगा कि हम कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। बहुत स्वीट हैं आप, और मतलब जितना दिखती हैं वीडियो में उससे कहीं ज्यादा स्वीट हैं। और मैं मतलब आपके सब लोगों से मिली, जो भी आपके साथ काम करते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाभी जो आपने मुझे अपना भाभी, मेरे फैन जानना चाहते हैं कि आप मतलब किस चीज़ से फेमस हुई हैं, जो आप अंदाज बोलती हैं अपनी वीडियो में, प्लीज़ मेरे भी वीडियो में बोलिए। जी, मैं भोजपुरी में वीडियो बनाती हूँ, यूपी बिहार वाला स्टाइल में, और पहले मैं वीडियो में बोलती थी का हो हमारे देवर पौना लोग, तो इसी स्टाइल में मैं वीडियो बनाती थी, और इसी स्टाइल में लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, अभी भी पसंद करते हैं, और वही लैंग्वेज उन लोगों को पसंद है, और बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाभी आप रेगुलरली उसी वीडियो में, हर वीडियो में एक बार ज़रूर बोलिए। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा बहुत तो बोलती ही हूँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा छूट गया है, वो भी समझ जाएगा। एक बार ही मेरे पूरा बोल दीजिए, जैसे स्वागत करती हैं आप उन लोगों का। नमस्कार, प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोर छुके गोर लागत आनी, तो कैसन बानी रहुआ लोग बताई जा जरूर, और उम्मीद बा कि आप लोग स्वस्थ होखब, मस्त होखब, व्यस्त होखब, भगवान करे कि आप लोग स्वस्थ और मस्त व्यस्त होखी। और ये बहनी के जौन की नाम जूही बहनी के चैनल के आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करी, साथ में बेल आइकन घंटी जौन बड़का वाला होगा ना से टप दे दबा दे, बगलिया में रेड कलर का बटन बहू के टिप दे, तब तक के लिए आपके भौजी के प्रणाम बा। नमस्ते नमस्ते।